हाई एवरी वन इन टूडेज लेक्चर वट आर वी गोइंग टू डू आज हम देखेंगे वॉट आर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन्स जस्ट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन्स क्या होता है ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है बट हम कॉमनली यूज करते बट एग्जैक्टली exactly उसका मीनिंग क्या है वो कभी कभार हम मिस कर देते तो उसका मीनिंग पता ही नहीं रहता सो डो वॉच द वीडियो टिल एंड इन अ फन फिल्ड मैनर यू विल रिमेंबर दिस वर्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन्स कम्प्लीटली ठीक है सो स्टार्ट सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन्स वो क्या होते हैं दीज आर द वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अब ये तो बाउंसर गया है ना बाउंसर गया ठीक है सो आई हैव यर एटम अब ये जो एटम है उसके अंदर क्या है एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अब एटम जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं समझो हमने कोई एलिमेंट को हीट कर लिया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी सो दिस एटम्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी ठीक है इट विल एब्जॉर्ब्स दिस हीट एनर्जी एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आ जाते हैं दे स्टार्ट मूविंग योर इंदर तो वो अपनी जगह छोड़ के बाकी पूरे एटम में कहीं जाके वापस आएंगे सो वेन दिस इलेक्ट्रॉन गोस फ्रॉम वन एंड टू अदर एट एंड कम्स बैक टू इट्स पोजिशन इट विल एमिट आउट एनर्जी इट विल एमिट आउट फोटोन्स और रेडिएशंस और ये जो रेडिएशंस आते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं वेव्स के फॉर्म में होते हैं तो हमने एक एनर्जी दी एटम को एटम ने क्या हुआ वो अपनी जगह पे ऑसिलेट हुआ मतलब थोड़ा सा घूम के आया जैसे ही वो घूम के आता है वो कोई एनर्जी एमिट करता है वो एनर्जी कौन से फॉर्म में जैसे वेन आई एम टॉकिंग आई एम एमिटिंग आउट एनर्जी है ना मैं थोड़ी सी एनर्जी एमिट कर रही हूँ सिमिलरली ये जो एटम है वो कोई एनर्जी एमिट करता है अब वो एनर्जी देता कौन से फॉर्म में वेव्स के फॉर्म में और ये नाम क्यों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज वो दो वेव्स देता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है दो फील्ड जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होती है अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ कैसे होती है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दोनों कैसे परपेंडिकुलर

अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस कौन सी कौन सी होती है तो ये जो सारी है जैसे कि रेडियो माइक्रोवेव यूवी रेस एक्स रेज विजिबल लाइट ये सारी ही कौन सी है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस नहीं समझा हम सब क्या है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स हम सब इंसान हैं है ना बट यू एंड आई वी बोथ डिफर फ्रॉम ईच अदर हम अलग है एक दूसरे से राइट इट कैन बी डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अपियरेंस इट कैन द फॉर्म ऑफ नेचर तो कोई भी टर्म में हम सब अलग है बट हम सब में कॉमन क्या है हम सभी इंसान हैं सिमिलरली ये सारी के सारी जो वेव्स हैं जैसे हमने रेडियो वेव सुना रहेगा हम रेडियो सुनते हैं रेडियो की फ्रीक्वेंसीज रहती है राइट right? तो रेडियो सुना है देन माइक्रोवेव सुना हुआ है एक्सरेज हम जब निकलते एक्सरे सुना हुआ है विजिबल लाइट होती है तो इस सारे ही टाइप किसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के देन हाउ डू डिट डिफर फ्रॉम एच अदर ये एक दूसरे से कैसे अलग है देखो रेडियो वेव्स है वो एक टार से दूसरे टार तक जाते हैं मतलब वो बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती है है ना जैसे कि एरोप्लेन है वो बहुत बड़ा है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हमें लेके जा सकता है क्या स्कूटर हमें लेके जा सकता है नहीं बिकॉज स्कूटर इज वेरी स्मॉल ठीक है क्या वो तीन पे वाली बच्चों की साइकिल है वो हमें स्कूटर हमें फिर भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लेके जा सकता है बट क्या मुझे तो वो छोटी सी तीन पे वाली साइकिल है वो लेके जा सकते एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक नहीं लेके जा सकते है ना सो सिमिलरली रेडियो वेव्स जो है वो बहुत बड़ी वेव इसलिए एक टार से दूसरे टार तक जाती है अगर हम बोले एक्सरेज एक्सरेज बहुत छोटी छोटी वेव्स होती है इसलिए दे कैन इवन पेनिट्रेट थ्रू आर बॉडी हम एक्स रेज निकालते हैं हमारी पूरी हड्डियाँ दिख जाती है उसमें करेक्ट सो इफ यू गो टू मॉल हॉस्पिटल या एयरपोर्ट वहाँ पर अगर देखोगे तो एक्सरे मशीन्स होती है विच कैन पेनिट्रेट थ्रू योर बैग एंड चेक वॉट इज प्रेजेंट इन साइड योर बैग ठीक है फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बोलते हो अगर ये समझ लो एक नेट है ठीक है दिस इज वन नेट आई टेकन अब ये नेट के थ्रू कौन पास हो सकता है एक है मेरे पास छोटी सी चीटी ठीक है जस्ट pardon me मी फ्रॉम माई ड्रॉइंग ठीक है और एक मेरे पास है हाथी सो so, मेरे पास एक बड़ा सा हाथी है यहाँ पे ओके दिस इज वन बेग हाथी तो ये नेट के थ्रू कौन पास हो सकता है चीटी या हाथी एप्सलूटली कलर ओनली चीटी कैन पास थ्रू दिस हाथी के नॉट पास इज़ वेरी स्मॉल तो इस चिटी को तुम समझ लो एक्टली लाइक दैट ऑफ योर इसको एक्सरे समझ लो जो छोटे छोटे होते और ये हो जाएगा हाथी जो है वो बड़ा सा हो जाएगा तुम्हारा रेडियो वेव्स नाउ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस इज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू पास थ्रो इट मतलब लाइट जो है ऐसे ही पास हो सकती है एग्जाम्पल साउंड जो है साउंड वेव्स इज नॉट एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव साउंड के लिए कुछ है, मैं ऐसे ही बजा रही हूँ तो बज रहा है कुछ आवाज आ रहा है नहीं आ रहा बिकॉज साउंड रिक्वायर्स एनी मीडियम टू पास बट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कैन पास डायरेक्टली डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू पास रेट तो यही क्या होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स होते इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स जो होता है दीज वेव्स कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम ठीक है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव और दूसरे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव दोनों में फर्क किस चीज़ का है येस देर डिफर इन देर वेव लेंथ सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ये सिर्फ वर्ड आगे इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं बट हमने इसमें यह क्या कवर किया सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट इफ दैट इज क्लियर प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डेफिनेटली डोंट फर्गेट टू पुट विच कंसेप्टू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इन माई Videos so that I can post it as per your requirement. Thank you.